T20 सीरीज को 5-0 से जीतने के बाद अब भारतीय टीम 5 फरवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है। और दोस्तों इस सीरीज का सबसे पहला वनडे मुकाबला 5 फरवरी को हैमिल्टन के स्टेडियम में खेला जाना है। और दोस्तों इस सीरीज के सबसे पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम अपने प्लेइंग 11 में कई सारे बड़े बड़े बदलाव भी करने वाली है। दोस्तों अगर इस सबसे पहले वनडे मुकाबले के लिए हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम भी दोस्तों 5 मैच लगातार हारने के बाद अब वनडे सीरीज में थोड़ी सी वापसी की उम्मीद करेगा। न्यूजीलैंड के लिए दोस्तों हमको ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं मार्टिन गप्तिल और साथ ही साथ विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम लेथम। नंबर 3 पर दोस्तों कप्तान केन विलियमसन उतरने वाले हैं और नंबर 4 पर रॉस टेलर उतरेंगे। दोस्तों साल 2019 रॉस टेलर के लिए काफी जबरदस्त साल रहा था। 2020 में अब वनडे क्रिकेट में रॉस टेलर बढ़िया प्रदर्शन से हम सारे उम्मीद करने वाले हैं। नंबर 5 पर उतरने वाले हैं दोस्तों जबरदस्त ऑलराउंडर जेम्स निशम। नंबर 6 पर उतरने वाले हैं दोस्तों कॉलिन डी ग्रैंडहोम और नंबर 7 पर मिचेल सेंटनर उतरने वाले हैं। नंबर 8 पर उतरने वाले हैं दोस्तों टिम साउदी। नंबर 9 पर स्कॉट कुगलेजिन उतरने वाले हैं। नंबर 10 पर एस सोढ़ी और नंबर 11 पर हमीश बेनेट उतरने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड की टीम इस पहले वनडे मुकाबले में लेकर उतरने वाली है। तो दोस्तों वहीं अगर हम न्यूजीलैंड के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो दोस्तों भारतीय टीम के लिए हमको ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं रोहित शर्मा और साथ ही साथ विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल। दोस्तों इस सीरीज में भी भारतीय टीम ओडीआई में भी केएल राहुल से ही विकेट कीपरिंग कराने वाले हैं। केएल राहुल ने दोस्तों जहां T20 में जबरदस्त विकेट कीपरिंग के साथ साथ जबरदस्त बल्लेबाजी भी करी थी तो यहां पर भी वह ओपनिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 3 पर उतरने वाले हैं दोस्तों कप्तान विराट कोहली। नंबर 4 पर उतरने वाले हैं दोस्तों श्रेयस अय्यर और नंबर 5 पर मनीष पांडे उतरने वाले हैं। मनीष पांडे दोस्तों टीम को काफी ज्यादा बैलेंस करते हैं। अब विकेट कीपर जहां ओपनिंग करते हैं तो मिडल ऑर्डर में मनीष पांडे के आ जाने से काफी ज्यादा स्टेबिलिटी भी आ जाती है। नंबर 6 पर होने वाले हैं दोस्तों रविंद्र जडेजा। नंबर 7 पर उतरने वाले हैं दोस्तों शार्दुल ठाकुर और नंबर 8 पर नवदीप सैनी उतरेंगे। नंबर 9 पर उतरने वाले हैं दोस्तों युजवेंद्र चहल। नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और साथ ही साथ नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह उतरने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 हमको इस पहले वनडे मुकाबले में दोनों टीमों की नजर आने वाली है। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम इस पहले वनडे मुकाबले में जीत सकती है, भारतीय टीम या न्यूजीलैंड की टीम, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।